आज यदि हम किसी भी न्यूज चैनल को ऑब्जर्व करें या किसी भी न्यूज़पेपर को देखें या इंटरनेट पर न्यूज को सर्व करें तो हम पाते हैं कि देश में जितने भी घटनाएं हो रही है उनमें से 30-40% घटनाएं महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उनसे रिलेटेड है। यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उनका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर गया है और ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। हम में से हर आदमी आज देश में सोच रहा है कि इस प्रकार बढ़ती हुई घटनाओं को किस प्रकार से लगाम लगाई जा सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी सेफ्टी टिप्स को जो हर महिला को, हर लड़की को पता होने चाहिए, खासकर तब जब वे अकेली ट्रैवल कर रही हो या कहीं अकेली स्टे कर रही हो। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज किंगडम। और आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी माताओं बहनों को इस सभी का लाभ मिल सके। देखते हैं उन सभी सेफ्टी टिप्स को। क्या करें अगर आप रात में किसी ऑटो या टैक्सी से जा रहे हैं? एक्सपर्ट का मानना है कि रात में किसी ऑटो या टैक्सी में जाने से पहले उसका नंबर जरूर नोट कर लें और अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को फोन करके उन्हें ऑटो नंबर, पहुंचने का रूट और समय उस भाषा में बताएं जो ऑटो ड्राइवर को समझ में आती हो। यदि किसी कारण से कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है तो भी आप घबराएं नहीं, आप ऐसे बात करने का नाटक करते रहें जैसे कि फोन चल रहा हो। इस वक्त भी आप अपनी ऑटो की डिटेल और लोकेशन का जिक्र करना ना भूलें। चाहे आपका फोन बंद हो फिर भी ऑटो चालक को यह मैसेज जा रहा है कि किसी न किसी और व्यक्ति को उसके ऑटो की पूरी डिटेल दी जा रही है और इस सिचुएशन में यदि वह कुछ गलत करता भी है तो उसके पकड़े जाने का पूरा खतरा होगा। वह आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बाध्य है। क्या करें अगर कोई ड्राइवर सड़क बदलकर आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है? एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप तेजी से अपना पर्स, स्टॉल या दुपट्टा लें और ड्राइवर की गर्दन के चारों ओर लपेटकर पीछे पूरी ताकत से खींचें और तब तक पकड़कर रखें जब तक कि ड्राइवर बेबस महसूस ना करने लगे। यदि आपके पास पर्स या दुपट्टा नहीं है तो तुरंत उसकी शर्ट के कॉलर को पीछे की तरफ खींचें और उसी गर्दन को अपनी बाह से पूरी ताकत से दबा के रखें और इसी के साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दें कि आपको किडनैप किया जा रहा है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। वह आपको इमीडिएटली वहां उतारने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्या करें अगर रात को कोई आपका पीछा कर रहा है? इस कंडीशन में आप जल्द से जल्द अपने आसपास किसी दुकान या घर में चले जाइए और वहां किसी फैमिली को अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करिए। और यदि ये बात देर रात की है जब आसपास कोई दुकान या घर नहीं खुला है तो आसपास के किसी भी एटीएम सेंटर में चले जाएं। लगभग सभी एटीएम सेंटर्स में सिक्योरिटी गार्ड या सीसीटीवी कैमरे होते हैं। जो भी हमलावर है वो पहचान के डर से आप पर हमला नहीं करेगा और यही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। क्या करें जब आप देर रात किसी ऊंची बिल्डिंग के लिफ्ट में किसी अजीब आदमी के साथ अकेली जा रही हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको देर रात किसी लिफ्ट में अकेले जाना है और कोई अजीब आदमी आपके साथ लिफ्ट में है तो जल्दी से अपने फ्लोर तक जाने तक अपने बीच में आने वाले सभी फ्लोर के बटन दबा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 12th फ्लोर पर जाना है तो आपके बीच में आने वाले 2, 5, 7, 9, 11 सभी फ्लोर के बटन दबा दीजिए। इससे लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती हुई जाएगी और कोई भी आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करें यदि कोई अजनबी आपके घर में अकेले होने पर आप पर हमला करने की कोशिश करता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी कंडीशन में दूसरे कमरों के कंपैरिजन में आपका रसोई में भाग के जाना ज्यादा सेफ है क्योंकि वहां पर आपको आपकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी, चाकू, प्लेटें, बेलन वगैरह मिलेंगे जिसका पता सिर्फ आपको ही है कि वो एग्जैक्टली कहां पड़े हैं और आप इन सभी चीजों को सेल्फ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सब चीजें किचन में नहीं है तो इमीडिएटली प्लेट और बर्तन फेंकना शुरू कर दें और चिल्लाएं। याद रखें कि शोर या चीखना हमलावर का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि वह कभी भी पकड़ा नहीं जाना चाहेगा। बस या ट्रेन से यात्रा करते समय सही सीट का चुनाव करें। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो खिड़की की तरफ वाली सीट पर ना बैठें क्योंकि आप हमलावर द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। हमेशा सीटों के बीच वाले गलियारे की तरफ वाली सीट पर बैठने की कोशिश करें ताकि आप बिना किसी परेशानी के जरूरत पड़ने पर जल्दी से वहां से निकल सकें। क्या करें यदि कोई आपको बार बार अश्लील कॉल कर रहा है? यदि कोई आपको बार बार अश्लील कॉल करता है तो कॉल करने वाले से बिल्कुल बात ना करें, बल्कि यदि फोन करने वाले ने कुछ भी अश्लील जवाब दिया है या कुछ भी नहीं कहा है तो फोन को बिना डिस्कनेक्ट किए लटका दें। अब नंबर के साथ कॉल की तारीख और समय पर ध्यान दें। यदि फोन लगातार आ रहे हैं तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इन सभी बातों के अलावा भी कुछ ऐसी जरूरी टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले टिप है अपने आसपास के माहौल के प्रति चौकन्ना रहें। यदि कुछ भी आसपास ऐसा चल रहा है जो अनसेफ लग रहा है तो बिना समय गवाए उस जगह को छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार की छेड़खानी या टिप्पणी को हल्के में ना लें और यदि कोई नहीं मान रहा है तो जोर जोर से चिल्लाकर विरोध करना शुरू कर दें। जितना हो सके लेट नाइट ट्रैवल ना करें और फिर भी यदि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो किसी भी पैसेंजर से भरी हुई बस में ही जाएं बजाय किसी खाली बस में जाने के। रात में टू व्हीलर से जाते समय हेलमेट लगाना ना भूलें और किसी भी सूरत में किसी अजनबी के लिए अपना स्कूटर ना रोकें।
इमरजेंसी आने पर इसी हेलमेट को अपना हथियार बनाकर इससे बचाव करें। अगर आप कार चला रहे हैं तो गाड़ी को सुनसान पार्क करने से बचें। कार में बैठने से पहले पीछे वाली सीट पर एक नजर जरूर मारें और अंदर बैठते ही इसे जल्दी से लॉक कर लें। रात में किसी भी अजनबी के लिए कार ना रोकें और किसी भी सूरत में शॉर्टकट के चक्कर में अनजाने रास्ते पर ना जाएं। अपना फोन हाथ में रखने की बजाय इसे अपनी पॉकेट में रखें, जहां इसे आसानी से जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके। फोन में हमेशा इमरजेंसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखें, जिससे पुलिस को मैसेज किया जा सके। किसी के भी पीछा किए जाने पर जल्दी से किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाएं और जरूरत पड़ने पर चिल्लाने में संकोच ना करें। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में दिखाए गए सारे प्रिकॉशंस को जरूर फॉलो करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी हमारे रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।